सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम एमए उत्तराक संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय की 32वीं 33वीं और 34वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 32वीं कारिका को देखते हैं। अब इन कारिकाओं में भरत मुनि नाट्य रस की आस्वादन विधि का विवेचन कर हमें बता रहे हैं कि जो नाट्य रस है उनका आस्वादन किस प्रकार से किया जा सकता है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। सबसे पहले 32वीं कारिका को देखते हैं। अब भरत मुनि क्या करे हैं। अत्र अनुवंशु श्लोको भवतः। जब ऋषिगण भरत मुनि से नाट्य रस की आश्वासन विधि का बारे में पूछते हैं तो भरत मुनि उन्हें बता रहे हैं कि अत्र अनुवंशु श्लोको भवतः, यानी इस विषय में दो परंपरागत श्लोक हैं। कौन से श्लोक हैं उनको उल्लेखित कर भरत मुनि क्या बता रहे हैं। यथा बहु द्रव्ययुते व्यंजनेर बहु अभिरयुतम आस्वादयन्ति मुंजाना भक्तम भक्त विदो जनाः। 33वीं कारिका में क्या कह रहे हैं। बावा अभिनय संबंधा अस्थायी बावाश तथा बुद्धा आस्वादयन्ति मनुषा तस्मान नाच्य रसावाश्मिता। पहले 32वीं कारिका को देखते हैं, क्या कह रहे भरत मुनि उसमें। यथा बहु द्रव्ययुते व्यंजने बहुर अभिरयुतम आस्वादयन्ति भुजानां भक्तं भक्तविदो जनाः। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा। यथा भक्तविदो जनाः बहु द्रव्ययुते बहु भी व्यंजने युक्तम भक्तं भुजानां आस्वादयन्ति। क्या कह रहे हैं। यथा भक्त विदो जनाः, यथा भक्त विदो जनाः, यानी जिस प्रकार भक्त विदो जनाः, विद का अर्थ जानना और भक्त जन का अर्थ जन विशेष के संदर्भ में, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, कि यथा भक्त विदो जनाः, यानी जिस प्रकार से जो भोजन के विशेषज्ञ होते हैं, जो विशेषज्ञ जन है, वे क्या कहते हैं। बहु द्रव्य युते, बहु द्रव्य, बहु का अर्थ अधिक, यानी अनेक प्रकार से, यानी अधिक द्रव्यों एवं बहु भी व्यंजने और अनेक व्यंजनों से युक्त भक्तम भुजानाम आस्वादयन्ति, यानी से युक्त उस भोजन का क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं। यहाँ पर भरत मुनि तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमें बता रहे, एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं और फिर काव्य में रस की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी उसको बताएंगे। पहले करें कि यथा भक्त विदो जना बहु द्रव्य युते बहु भी व्यंजने युक्तम भक्तम पूजाना आस्वादयन्ति, यानी जिस प्रकार से भक्त विदो, यानी भोजन जना, यानी भक्त विशेषज्ञ जन बहु द्रव्य युक्त, यानी अनेक द्रव्यों एवं बहु भी व्यंजने और अनेक व्यंजनों से युक्तम भक्तम भुजानाम आस्वादयन्ति, यानी अनेक व्यंजनों से भोजनों व्यंजनों से युक्त भोजन का आस्वादन करते हैं। फिर आगे क्या करें, दूसरी वाली कारिका हम बता रहे हैं 33वीं में। भावा अभिनय संबंधा अस्थायी भावस्तथा बुद्धा आस्वादयन्ति मनसा तस्मान नाट्य रसाश्रमितः। उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार से भोजन विशेषज्ञ जन अनेक द्रव्य एवं अनेक व्यंजनों से युक्त भोजन का आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धा, बुद्धा का अर्थ होता है बुद्ध जन, प्राज्ञ जन, विद्वत जन, कि यदा बुद्धा, यानी बुद्ध जन, प्राज्ञ जन, भावा अभिनय समान, यानी भावों और अभिनय से युक्त अस्थायी भावा, यानी अस्थायी भावों का मनसा आस्वादयन्ति, मनसा आस्वादयन्ति, यानी अस्थायी भावों का मानसिक आस्वादन करते हैं। यानी भरत मुनि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से भोजन विशेषज्ञ जन अनेक द्रव्यों एवं अनेक व्यंजनों से युक्त भोजन का आस्वादन करते हैं, तथा बुद्धा भाव अभिनय संवाद अस्थायी भाव मनुष्य आस्वादन, उसी प्रकार से बुद्धा भाव अभिनय, उसी प्रकार से प्राज्ञ जन भाव अभिनय से युक्त अस्थायी भाव मनसा आस्वादन, यानी अस्थायी भावों का मानसिक आस्वादन करते हैं। यानी
नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि का, जब आचार्य गण ऋषिगण उनसे प्रश्न करते हैं कि नाट्य रस का आस्वादन किस प्रकार से किया जाता है, तो इस तथ्य को बताते हुए भरत मुनि कह रहे हैं कि जिस प्रकार भोजन के विशेषज्ञ सहृदय भोजन जन अनेक प्रकार के द्रव्य तथा अनेक प्रकार के व्यंजनों का सम्मिश्रण कर बनाए गए उत्तम भोजन का आस्वादन कर जो छह रस होते हैं मधुर अम्ल कटु कषाय लवण और तिक्त आदि रसों का आस्वादन कर अलौकिक दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, उस भोजन में उत्तम आनंद को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार काव्य विशेषज्ञ सहृदय सामाजिक प्रेक्षक जन भी नट नटी द्वारा अभिव्यक्त किए जाने वाले देवादि विषयक रति भावों तथा आंगिक वाचिक सात्विक एवं आहार्य आदि अभिनयों से युक्त तथा रति हास शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा एवं विस्मय आदि अस्थायी भावों का मानसिक आस्वादन करके अलौकिक दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, अतः ये अस्थायी भाव नाट्य रस कहलाते हैं। यानी भरत मुनि का इस कारिकाओं में बताने का अभिप्राय यह है कि रंगमंच पर जब नट नटी अपने हाव भाव एवं अभिनय प्रस्तुत करते हैं, फलतः सहृदय सामाजिक के चित्त में सुप्त रति आदि अस्थायी भाव जागृत होकर रसत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से भरत मुनि हमें इन दोनों कारिकाओं में नाट्य रस की आश्वासन विधि को बताते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने भरत मुनि द्वारा नाट्य रस के आस्वादन विधि का किस प्रकार से आस्वादन किया जाता है उसके बारे में हमने 32वीं और 33वीं कारिका में पढ़ा। अब आगे पुनः ऋषिगण भरत मुनि से प्रश्न कर रहे हैं और पूछते हैं कि रसों से भावों की उत्पत्ति होती है अथवा भावों से रसों की उत्पत्ति होती है। यह प्रश्न भरत मुनि के सामने जब ऋषिगण प्रस्तुत करते हैं तब भरत मुनि किस प्रकार से उसका समाधान करते हैं, उसी का उल्लेख इस गद्य में किया गया है। मैं इस गद्य का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या बताया जा रहा है? अत्र अह किम रसेभ्यो भावानाम अभिनय निर्वृत्तिरिताहु भावेभ्यो रसानामिति केषाञ्चिन्मन्तं परस्पर संबंध तेषाम् अभिनिर्वृत्तिरिति तन् कस्मात् दृश्यते हि भावेभ्यो रसानाम् अभिनिर्वृत्तिरन तु रसेभ्यो भावानाम अभिनिर्वृत्तिरिति भवन्ति च अत्र श्लोकाः। क्या कह रहे हैं? अत्र अह तो क्या किम रसेभ्यो भावानाम अभिनिर्वृत्तिरिताहु। क्या कह रहे हैं कि किम रसेभ्यो, अत्र अह किम रसेभ्यो, क्या रसों से भावानाम अभिनिर्वृत्तिरिताहु, क्या रसों से भावों की उत्पत्ति होती है अथवा भावेभ्यो रसानाम इति, या भावों से रसों की उत्पत्ति होती है। अब ऋषिगण प्रश्न कर रहे हैं कि रसेभ्यो भावानाम अभिनिर्वृत्तिरिताहु, या रसों से भावों की उत्पत्ति होती है अथवा भावेभ्यो रसानाम इति, या भावों से रसों की उत्पत्ति होती है। तब भरत मुनि क्या कह रहे हैं? कैसा चिंतमंतम मतम, यानी मत, यानी कुछ विद्वानों का मत है या मतानुसार ये परस्पर संबंध देशाम अभिनिर्वृत्तिर इति, यानी ये पारस्परिक संबंध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भरत मुनि कह रहे हैं कि कुछ विद्वत जन ऐसा मानते हैं कि ये रस और भाव क्या होते हैं, परस्पर संबंधान देशाम अभिनिर्वृत्ति, यानी पारस्परिक परस्पर संबंध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किंतु तन कस्मात् दृश्यते हि भावेभ्यो रसानाम अभिनिर्वृत्तिरितु रसेभ्यो भावानाम अभिनिर्वृत्तिरिति भवन्ति च अत्र श्लोकः। किंतु ऐसा मानना उचित नहीं है, कुछ जगह दिखाई देता है कि भावेभ्यो रसानाम अभिनिर्वृत्तिरितु रसेभ्यो भावानाम अभिनिर्वृत्तिरिति। भरत मुनि कह रहे हैं कि भावों से रसों की उत्पत्ति तो दृष्टिगत होती है कि दृश्यते हि भावेभ्यो रसानाम अभिनिर्वृत्तिर तू रसेभ्यो, यानी भावों से रसों की उत्पत्ति तो होती है परंतु रसेभ्यो भावानाम अभिनिर्वृत्तिर इति, किंतु रसों से भावों की जो उत्पत्ति होती है वह दृष्टिगत नहीं होती है। च अत्र श्लोका, इस विषय में भी कुछ श्लोक है
जिसका अगली कारिका चौतीसवां में हम अध्ययन करेंगे। एक बार इस गद्य को पुनः देख लीजिए, क्या कह रहे अत्र है, तो क्या किम रसेभ्यो भावानाम अपि निर्वर्तिताहु भावेभ्यो रसानाम इति। कुछ विद्वानों के अनुसार क्या रसों से भावों की उत्पत्ति होती है अथवा भावों से रसों की उत्पत्ति होती है, तो भरत मुनि क्या करें, केशानि चिंतमंतम परस्पर संबंध देशाम अभी निर्वृतिर इति, यानी ऐसा कुछ विद्वान मानना उचित नहीं है क्योंकि भावों से रसों की उत्पत्ति तो दृष्टिगत होती है परंतु तेन कस्मास दृश्यते ही भावेभ्यो रसानाम अभी निर्वृतिर तु रसेभ्यो भावानाम अभी निर्वृतिर इति भवन्ति। क्योंकि भावों से रसों की उत्पत्ति तो दृष्टिगत होती है किंतु रसानाम अभिनिर्वृतिर तु रसेभ्यो भावानाम अभिनिर्वृतिर इति, किंतु रसों से भावों की जो उत्पत्ति होगी वह दृष्टिगत नहीं होती है। यानी भरत मुनि के कहने का तात्पर्य कि भावों से जो रसों की उत्पत्ति है यह मत तो दृष्टिगत होता है किंतु रसों से भावों की उत्पत्ति दृष्टिगत नहीं होती है। इस विषय में कुछ श्लोक है, उस श्लोक का वाचन हम 34वीं कारिका में करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्यशास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचितम नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय की 34वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि भाव के लक्षण को बताते हैं कि भाव काव्यशास्त्र में किसे कहा जाएगा, भाव किसे कहते हैं, विद्वानों ने भाव की क्या परिभाषा बताई है, उसी का उल्लेख भरत मुनि ने उक्त कारिका में किया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। भाव रूपी भावों के लक्षण को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या करे हैं, नाना अभिनय संबंधान भावयंती रसानिमा यस्माद तस्माद अपि भावा विज्ञेया नाट्यो कृतभ्यः। नाना अभिनय संबंधान भावयंती रसानिमान यस्माद तस्माद अपि भावा विज्ञेया नाट्यो कृतभ्यः। नाना अभिनय संबंधान भावयंती रसानिमान यस्मात् तस्माद् अपि भावा विज्ञेया नाट्यो कृतभ्यः। अन्वय कारिका का, यस्मात् नाना अभिनय संबंधान इमान रसान भावयन्ति तस्मात् नाट्यो कृतभ्यः इमि भावाः विज्ञेयाः। यस्मात् नाना अभिनय, यस्मात् यानी क्योंकि, नाना अभिनय संबंध यानी नाना विध यानी विभिन्न प्रकार के अभिनयों यानी अभिनयों संबंधान यानी संबद्ध ईमान रसान यानी इन रसों को ये भावयंती यानी ये भावित यानी अभिव्यक्त करते हैं, अतः नाट्य योग कर्तव्य अतः नाट्य प्रोक्ताओं के द्वारा अमी भावा विज्ञेया इन्हें भाव कहा गया है, भाव माना गया है। एक साथ कारिका के अर्थ को देखिए, क्या कह रहे भरत मुनि, यस्मात् नाना अभिनय, क्योंकि नानाविध अभिनय यानी अभिनयों के संबंधान यानी संबद्ध इमान रसान यानी इन रसों को ये भावयंती यानी ये भावित यानी अभिव्यक्त करते हैं, तस्मात् नाट्यो कर्तव्य अतः नाट्य प्रयोक्ताओं के द्वारा इमी भावा विज्ञेया इन्हें भाव माना गया है। यानी यस्मात् नाना अभिनय, क्योंकि नाना अभिनयों से संबंध यानी संबद्ध इमान रसान यानी इन रसों को ये भावयंती यानी भावित करते अभिव्यक्त करते, तस्मात् नाट्यो कर्तव्य अतः नाट्य प्रयोक्ता के द्वारा इमी भावा विज्ञेया, विज्ञेया का अर्थ होता है मानना ज्ञापित करना, अतः इन्हें भाव माना गया है। यानी भरत मुनि भाव विषयक अपने मत को प्रकट कर कहते हैं कि भाव किसे कहते हैं, इस विषय को स्पष्ट कर भरत मुनि कह रहे हैं कि भाव सदैव ही आंगिक वाचिक सात्विक राह्य तथा सात्विक अभिनयों से संबंधित संगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स तथा अद्भुत आदि रसों को ये भावित यानी अभिव्यक्त करते हैं, अतः नाट्यशास्त्र के विद्वान आचार्य इन्हें भाव कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नट नटी रंगमंच पर अपना आंगिक वाचिक सात्विक तथा आहार्य आदि अभिनय प्रस्तुत करते हैं, इसे देखकर सहृदय सामाजिक के हृदय में श्रृंगार हास्य करुण आदि रस जागृत हो जाते हैं। चूंकि नट नटी के ये भाव ही श्रृंगार आदि रसों को भावित करते हैं, अतः इन्हें भाव कहा जाता है। इस तरह से भरत मुनि के द्वारा इस भाव किसे कहा जाता है इस लक्षण को बताया गया। एक बार पुनः कारिका के वाचन
कर इसके अर्थ को देखते हैं। भाव के लक्षण को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या करें, परीक्षा उपयोगी है, पूछा भी जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में भी भाव के लक्षण के बारे में भरत मुनि के मत को पूछा जाता है। नाना अभिनय संबंधान भावयंती रसानिमान यस्मात् तस्माद् अपि भावा विज्ञेया नाट्यो कर्तव्यः। यस्मात् नाना अभिनय संबंधान, क्योंकि नानाविध अभिनयों के संबंध संबद्ध इमान रसान है, इन रसों को यह भाविंती यानी भावित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तस्मात् अतः नाट्यो कर्तव्यः, क्योंकि नाट्य प्रयोगता के द्वारा इन्हें भावा विज्ञेया, इन्हें भाव माना गया है। धन्यवाद।